हाय दोस्तों, वेलकम टू एस एन एजुकेशन वर्ल्ड अर्थशास्त्र के साथ। आज क्लास 14 में हम लोग सीखेंगे यूजेस ऑफ ब्लड टूल, शार्पन टूल और स्मूथ टूल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगर ऑलरेडी एक सब्सक्राइब कर लें तो उसके लिए थैंक यू दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कवर करूँगा ब्लर, शार्पन और स्मूथ टूल के बारे में। सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। दोस्तों मैंने इस तरह से यहाँ पे फोटोशॉप खोल लिया है। यहाँ पे आपका टूल्स अवेलेबल है दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से क्लिक करें तो सबसे पहले टूल्स आपका ब्लड टूल है। ब्लड टूल का क्या यूज होता है मैं इसमें बताऊँगा, उसके बाद शार्पन बताऊँगा, उसके बाद स्मूथ टूल को मैं डिफाइन करूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे ब्लड टूल का यूज मैं एक इमेज पे करके दिखाता हूँ। मैंने एक इमेज लिया है यहाँ पे इस तरह से। मैं इसको पहले डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे डुप्लीकेट करने के बाद इफेक्ट करके दिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इफेक्ट कर लिया डुप्लीकेट यहाँ पे। अब देखिए मैं इस पर ब्लर करता हूँ तो कंट्रोल प्लस से मैं जूम थोड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रशेस का साइज यहाँ पे थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आपका सिंपल्स दिखाता है यहाँ पे स्ट्रेंथ कितना बढ़ाना है। मैंने क्या किया, यहाँ 50% पे ले लिया दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेंथ। ठीक है, अब स्ट्रेंथ लेने के बाद इसको मैं ब्लरिंग के थ्रू यहाँ पे सही करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से पहले मैं इस तरह से इसको रिवर्ट कर लेता हूँ उसको यहाँ पे। देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका इफेक्ट से जुड़ू यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसको बलिंग करके मैं यहाँ पे इसको सही कर सकता हूँ। देख सकते हैं बर्लिंग के थ्रू मैं इसका इमेज को मैं सही कर रहा हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, अभी मैं दिखाऊंगा कि पहले इमेज कैसा था अभी कैसा हो गया। देख रहे हैं, इस तरह से मैंने कर दिया है। अब मैं फाइनल वाला इफेक्ट दिखाता हूँ कैसा था, अभी देखिए कैसा हो गया। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से बर्लिंग इमेज से हम लोग क्या करते हैं, इसको हम सही करते हैं, काम करते हैं। देख रहे हैं दोस्तों कितना अच्छा से यहाँ पे मैंने यहाँ पर बर्लिंग कर दिया, मैंने इसको नेट एंड क्लीन कर दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बर्लिंग कर लिया है। दूसरा मैं बर्लिंग का यूज़ में करके दिखाता हूँ। मान लिया कोई इमेज पे करना है बर्लिंग तो कैसे करूँगा। जैसे मान लिया कि यहाँ पे मैं बर्लिंग करना चाहता हूँ इस पर, फिर मैं इसका भी मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि ब्लर पर कैसे यूज़ करते हैं। डुप्लीकेट में बना लिया इसको यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, एक को मैंने यहाँ पर रख दिया, दूसरे को यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको करके दिखाता हूँ। ब्रश में थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से इफेक्ट को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं बर्लिंग के थ्रू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ब्लर के थ्रू यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे चेंजिंग कर दिया है इस तरह से। ब्रशेस को छोटा करने के बाद आसानी से यहाँ पे ब्लर कर सकता हूँ। देख रहे हैं दोस्तों, पहले यहाँ कैसा लिखा हुआ था यहाँ पे अब कैसा हो गया। इस तरह से बर्लिंग करके किसी भी इमेज को मतलब कि छिपा सकता हूँ इसको। जितना मैं करता रहूँगा ये क्या होगा, हिडन लाइटनेस होते चला जाएगा। देख रहे हैं, पहले कैसा लिखा हुआ तभी कैसा हो गया। इस तरह से इफेक्ट यहाँ बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद मैं और दिखा देता हूँ आपको। बाय द वे मैं इसके फेस को ब्लर करता हूँ यहाँ पे, तो ये क्या करता है यहाँ फेस को भी ब्लर कर सकता है यहाँ पे। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। अरे मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ, एक को मैं रिवर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कंट्रोल रिवर्ट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब मैं यहाँ पे ये इस इमेज को मैं यहाँ पे रखता हूँ और इस इमेज पे मैं काम करता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं ब्लर यहाँ पे ले रहा हूँ और यहाँ पे इस तरह से बर्लिंग काम करता हूँ। देख रहे हैं, जहाँ पे फोर्स का सही करना है वहाँ पर हम लोग बर्लिंग करके सही कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है बर्लिंग करके भी, हम किसी भी पोर्शन को छिपा सकते हैं और अच्छा से अच्छा इसको हम लोग बना सकते हैं। देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कैसा है इसका बॉडी का मतलब स्ट्रक्चर कैसा था अभी यहाँ पे मैंने यहाँ पे कैसे स्मूथ कर दिया। तो स्मूथ बनाने के लिए भी इसका यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं ब्लर पर। देख सकते हैं दोस्तों, कितना आसानी से मैंने स्मूथ कर दिया यहाँ पे। अभी देखो इसको कैसा इफेक्ट है, अभी यहाँ पे कैसा है, इस तरह से यहाँ पे इफेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, और मैं दिखा देता हूँ इफेक्ट यहाँ पे यूज़ करके। मैं डबल क्लिक कर कोई पिक लाता हूँ।
बाय द वे यहाँ पे बर्लिंग का यूज़ करके दिखाना है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ इसको, इस तरह से बर्लिंग इस पर करके दिखाना था, यहाँ पे इस तरह से मैं बर्लिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अभी मैं लिखा हुआ देखा हूँ, तो जैसे ऐसा बर्लिंग का यूज़ करते हैं जिसे इस किसी को लाइटनेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग ब्लर करके किसी भी इमेज को एडिट कर सकते हैं। देखा है दोस्तों, अभी मैं देख पा रहा था वो लिखे क्या है, इसका धुंधला धुंधला दिखा दे रहा, मतलब कि लगता है कैसे दोनों लोगों का ये इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे समझ में आ गया आपको ये। अब मैं आगे बताता हूँ दूसरा यूज़ बिल्कुल है। दूसरा ये जो आपका शार्पन है, शार्पन का क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, ये भी कर लेता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे शार्पन करने के लिए यहाँ पे एक इमेज देता हूँ, मान लिया कि इसके फेस को मैंने यहाँ पे ले लिया इस तरह का इमेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ और इसको शार्पन करके मैं इसको इमेज को छिपा सकता हूँ। तो ये शार्पन इमेज लेना पड़ेगा यहाँ पे क्लिक करके। देखिए अक्सर आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि शार्पन करके किसी भी फेस को छिपाने का काम भी किया जाता है। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से इफेक्ट हम बनाने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं शार्पन का। किसी को फेस को मास्किंग करने के भी यूज़ कर सकते हैं इसका, यहाँ पर आसानी से मास्क भी कर सकते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से इसका मतलब कि इसके फेस को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे शार्पन के थ्रू यहाँ पे मास्क कर दिया। न्यूज़ वगैरह हम देखते होंगे कि विक्टिम का जब रहता है यहाँ पे वैसा उसको फेस को छिपा के उसके बारे में ओवर भी दिया जाता है, तो इस तरह का इफेक्ट बनाने के लिए भी इसका भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा शार्पन, और मैं शार्पन का यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। बाय द वे मैं कोई इफेक्ट शार्पन का दिखाता हूँ यहाँ करके, कोई एक और इमेज ले लेता हूँ। बाय द वे यहाँ पे मैं शार्पन कोई इफेक्ट बना के दिखाता हूँ, यहाँ पे शार्पन के थ्रू कैसे इफेक्ट बनाते हैं ये सर लेता हूँ, फिर इसका डुप्लीकेट बनाता हूँ। मैं ले लेता हूँ, ये दो ले लिया मैंने। अब यहाँ मैं चाहता हूँ इससे इफेक्ट करके यूज़ करके दिखाना, तो यहाँ पे शार्पन का यूज़ कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, आसानी से यहाँ पे इफेक्ट बनाने का भी काम कर सकते हैं, ये आपके माइंड पे डिपेंड करता है कि आप इसका यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बहुत तरह के इफेक्ट मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अभी मैं यहाँ पे इफेक्ट एक ये बना रहा हूँ यहाँ पे शार्पन वाला। देख रहे दोस्तों, तो एक तरह से मैंने यहाँ पे एक इफेक्ट बनाने का काम कर रहा हूँ मैं शार्पन के थ्रू, आसानी से यहाँ पे शार्पन का यूज करके यहाँ पे इफेक्ट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं कप पर। पहले ऐसा था, अभी कैसा है यहाँ पे ये जो शार्पन टूल का यूज़ करके मैं यहाँ पे दिखा दिया आपको, कैसा समझ में आ गया होगा। एक और मैं दिखा देता हूँ सर्टिफिकेट पे यूज़ करके, शार्पन का यूज़ सर्टिफिकेट पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस समय मैं एक सर्टिफिकेट ले लेता हूँ, उसको भी यूज़ करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ये ले लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे इस तरह से इफेक्ट लिया हुआ, अब यहाँ पे मैं इसको शार्पिन करना चाहता हूँ, तो देखिए शार्पिन कर रहे इस तरह से। मैं किसी को साइन को भी हम लोग शार्पन कर सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ जूम ताकि आपको देख सके। यस तो इसलिए क्या मैं शार्पिन कर रहा हूँ उसको, इस तरह से मैं शार्पिन करने का भी यूटिलाइज हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर आसानी से। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, आसानी से यहाँ पे शार्पिन हमें इसको साइन को मैंने क्या किया है इस पर शार्पिन का काम करने का किया है यहाँ पे यूज, इस तरह से हम लोग शार्पन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब आता हूँ यहाँ पे इस तरह, देख रहे हैं मैं शार्पन बना दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टूल आपका कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे स्मूथ टूल। स्मूथ टूल का मोस्ट एडवांटेज मतलब एडवांटेज यूज़ होता है, एडवांटेज यूज़ करने यहाँ है तो बहुत जगह यहाँ पे यूज़ होता है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कहाँ पे यूज़ है। हम लोग यहाँ पे बॉडी रिपेयर करने के लिए भी यूज़ का स्मूथ टूल का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक लिया है यहाँ पे इस तरह से, इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले इफेक्ट कैसे कैसा चेंजिंग हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मैंने लिया। अब यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, पहले इसको मैं फुल स्क्रीन करके मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, कंट्रोल प्लस करता हूँ, जिसके मान लिया इसका नाक थोड़ा फैला हुआ लग रहा है ना दोस्तों, इसको हम लोग नाक को मैं थोड़ा स्मूथ करता हूँ, जिससे मान लिया कि इसको क्या अच्छे से नाक करता हूँ। टूल्स यहाँ पर ले लेता हूँ, पहले मैं टूल्स ले लेता हूँ। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे नाच टूल कौन सा आपका स्मूथ, स्मूथ टूल पे क्लिक करूंगा, अब यहाँ पे इसका इफेक्ट सही करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इसके नाक को मैं सही करूंगा,
ये फैलाव बहुत ज़्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा स्मूथ करूँगा। इसको लिस्ट को थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना है। ठीक है दोस्तों, ब्रशेज को छोटा बड़ा कर लेना है और यहाँ पे आसानी से यहाँ पे इसके लिप्स को, ठीक है, इसको फेस को भी मैं सही करने का काम कर सकती हूँ दोस्तों। इस तरह से हम लोग आसानी से मैं इसको इस तरह से मैं यहाँ पे रिपेयर करने का काम भी कर सकता हूँ। नाक को मैं जैसा था यहाँ पे जो भी आपका जो भी डार्कनेस वगैरह है यहाँ पे बनाने का काम भी करता है इसमें स्टूडेंट से। ठीक है दोस्तों, इस तरह से बना लिया। मैं पहले वाले का इमेज दिखाता हूँ अभी कैसा इमेज है। अभी मैंने इसको किया हूँ इस तरह से, कंट्रोल माइनस करता हूँ, देखिए इस तरह से मैंने इसको बनाया। पहले ऐसा था, अभी मैंने क्या किया स्मूच किया मैंने, और इसका लिप्स थोड़ा अटका हुआ था। ठीक है दोस्तों, स्मूथ टूल का और मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको। जैसे मान लिया कोई इफेक्ट बनाने के लिए, तो यहाँ पे इसको मैं इमेज ले लिया, इसको मैं कंट्रोल डी करके यहाँ ए डुप्लीकेट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर ओके कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, जैसे ये मान लिया कि कोई ये ड्रॉल मतलब कि ये पेप्सी यहाँ पर ग्लास में डाल रहा है। ठीक है दोस्तों, इसको इफेक्ट को थोड़ा हम लोग यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ब्रशेस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर जैसे मैंने देख लिया, इस तरह से इफेक्ट को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं दोस्तों। तो इस तरह से इफेक्ट बनाने का भी काम यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। लग रहा है कि यहाँ पे कैसा था पहले, अभी यहाँ पे कैसा हो गया, इस तरह से चेंजिंग करने का भी यूज यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा यहाँ पुश करना है, थोड़ा बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, देख रहे हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग यहाँ पे बढ़ा देते हैं, किसी को भी बढ़ाना है यहाँ पे बढ़ा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग चेंजिंग वगैरह यहाँ पे आसानी से यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा इसको पिक को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ अच्छे से कि क्या क्या इफेक्ट इसमें कर सकते हैं। जैसे इसका नाक थोड़ा फैला हुआ रहता है, थोड़ा सा इसको कम करना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग कम भी कर सकते हैं इसके नाक को, थोड़ा सा यहाँ पे ये निकला हुआ तो यहाँ पे इस तरह से निकाल देते हैं, यहाँ थोड़ा फैलाना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग करने का काम करते हैं। एक तरह से ये रिपेयर करने का भी इमेज काम होता है, यूज़ कर सकते हैं जहाँ चाहे आप वहाँ पर लगे। ये आप पर डिपेंड करता है कहाँ यूज़ करना है। देखो दोस्तों, इस तरह से मैंने चेंजिंग किया है। अब पहले का इमेज में दिखा देता हूँ कैसा है, अभी का कैसा है, इस तरह से मैंने चेंज किया है। देख रहे हैं दोस्तों, इस तरह से इफेक्ट हम लोग ये तीनों का यूज़ करके आसानी से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ब्लर टूल और शार्पन टूल और स्मूथ टूल का क्या यूज है। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको इस ऑप्शन अच्छे से क्लियर हो सके। और पिछले वाला वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके लिए मैं बनाया हूँ। आप इच्छा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि फुल्ली कवर होने पर अच्छे से आप यहाँ पे ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आपके लिए हमेशा न्यू न्यू वीडियो लाता रहूँ। ठीक है दोस्तों, डेट्स ऑल, थैंक यू दोस्तों।